गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ए पैक्ट विद सन जो आपकी बुक है उसका हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ए स्ट्रेंज रेसलिंग मैच, उसकी पार्ट टू की स्टडी स्टार्ट करेंगे। रीडिंग, विजय सिंह पिक्ड अप ए पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड। विजय सिंह ने जो रेत थी वहाँ पे, वहाँ से एक पत्थर का टुकड़ा उठाया। टेक दिस, इसे अपने हाथ में लिया। ही ऑफर्ड इट टू द गोस्ट, और इसे उस भूत को दिया। एंड स्क्वीज इट हार्ड, और भूत को देकर कहा कि इसे अब जोर से दबाओ। इट इज फिल्ड विद फ्लूड, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है। सी इफ आई एम रोंग, देखो मैं भी तुम्हें करके दिखाता हूं। वाइल द गोस्ट ट्राइड टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट, जब वो भूत उस पत्थर को दबाने की कोशिश कर रहा था एक हाथ से, देन विद बोथ, फिर उसने दोनों हाथों से उस पत्थर को दबाया। विजय सिंह स्लाइटली टुक आउट द एग फ्रॉम द पॉकेट, मतलब विजय सिंह ने बिल्कुल उस छिपते छिपाते हुए अपनी जेब से वो अंडा निकाला, क्योंकि उस औरत ने उसे अंडा दिया था ना, निकाला अपनी जेब से और उसे दबा दिया। विजय सिंह स्नैच्ड द रॉक फ्रॉम द गोस्ट एंड placed it between both hands and squeezed. अब विजय सिंह ने जो वो पत्थर का टुकड़ा था वो भूत के हाथ से छीना, अपने दोनों हाथों के बीच दबाया। At once the yellow yolk oozed from around his fingers. जो उसका अंडे के अंदर जो पीला पीला पदार्थ होते हैं ना, yolk होते जो, वो उसकी उंगलियों से बाहर निकलने लगा। And the crackling of the eggshell created the illusion of stone being crushed. और जो अंडे के छिलके थे उनसे जो आवाज़ हुई, वो जब टूट गए तो उनसे ऐसी आवाज़ हुई जैसे पत्थर के टुकड़े हो गए हैं। The ghost was so astonished he did not notice Vijay Singh bending to clean his hands with sand and disposing the telltale shell. अब वो भूत इतना आश्चर्यजनित हो गया कि उस पत्थर में से जब उसने लिक्विड निकलते हुए देखा, कि विजय सिंह ने जब उसके बाद झुककर रेत से अपने हाथ साफ किए और उसने उन अंडे के छिलकों को भी छिपा दिया। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द गोस्ट। अब विजय सिंह ने एक और पत्थर का टुकड़ा उठाया और उस भूत को दिया। विदाउट अ वर्ड गोस्ट टुक इट, बिना एक शब्द बोले भी भूत ने इसे अपने हाथ में लिया। फेल्ट इट, इसे महसूस किया। एंड पियर्ड एट इट, एंड पियर्ड एट इट, और उस पत्थर के टुकड़े को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा। विजय सिंह पुट हिज हैंड इन टू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ साल्ट। विजय सिंह ने अब अपना हाथ अपनी जेब में डाला और वो जो नमक का ठेला था ना, उसके पास नमक का टुकड़ा था, उसे उसने जेब से बाहर निकाला चुपके से। दिस इज ओनली ए स्टोन, ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है, प्रोटेस्टेड द गोस्ट, उस भूत ने कहा। एंड एनीवे इट इज टू डार्क टू सी, और ये बहुत ही, तो उसने कहा कि बहुत अंधेरा है, बाकी उसे अच्छे से पता नहीं चल रहा, इसीलिए, क्योंकि वो तो नमक का टुकड़ा था, इसीलिए भूत ने कहा कि उसे पता नहीं चल रहा ये क्या है। नेवर हियर्ड ऑफ ए गोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, मैंने तो ऐसे किसी भी भूत के बारे में नहीं सुना, क्योंकि कहते हैं ना कि भूत को तो अंधेरे में भी दिखाई देता है। रिमार्क्ड विजय सिंह, विजय सिंह ने जवाब दिया इस बात का। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स साल्ट, क्रम्बल इट एंड सी। तो जैसे पहले उसने बोला था ना कि इसके अंदर फ्लूड है, तो अब विजय सिंह ने कहा कि जो तुमने पत्थर का टुकड़ा हाथ में पकड़ा है उसके अंदर नमक भरा है, तुम इसे दोबारा से दबाकर देखो। अगेन द गोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन बट इन वेन, अब उस भूत ने दोबारा कोशिश की उस पत्थर को क्रश करने की, लेकिन सब बेकार रहा, क्योंकि नमक तो उस विजय सिंह के पास था। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह, अब उसने वो पत्थर विजय सिंह को दे दिया।
द गोस्ट वॉज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज गोस्टी पावर्स। अब भूत को, जो वो भूत था ना, उसे अपनी ही भूतिया शक्तियों पर शक होने लगा। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी अपोनेंट। मुझे नहीं लग रहा कि तुम मेरी बराबरी के या बढ़िया आप विरोधी हो, बढ़िया लड़ाई प्रतिद्वंदी होते ना एक दूसरे के अपोनेंट कहते हैं हम उनको। व्हाट्स द यूज ऑफ रेसलिंग विद ए वीकलिंग हुम आई कैन फ्लोर इन ए मिनट। अब मैं तुमसे कैसे कुश्ती करूं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे कमजोर व्यक्ति से कुश्ती करने का क्या फायदा जिसे मैं एक ही मिनट में जमीन पर गिरा दूं। सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल द लंप ऑफ साल्ट एंड लेट द स्टोन रोप इन द डार्कनेस। अब विजय सिंह ने अंधेरे में उस पत्थर को तो फेंक दिया और नमक को अपने हाथ से क्रश किया। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमांडेड द गोस्ट टू टेस्ट द पाउडर्स स्टोन। अब उसने भूत के सामने, क्योंकि जब नमक का था ना उसके पास, नमक वाले हाथ से उसने उसे दबा के उसे दिखाया कि अब देखो ये क्या है। मेसमराइज्ड विद द पहलवान्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ द गोस्ट डिड एज ही वाज टोल्ड। तो जैसा कि उसने, पहलवान ने उसे बताया था कि वो बहुत ही शक्तिशाली है, अब भूत को लगा कि ऐसे अंधेरे में वो उसे वास्तव में सच्ची में हरा देगा। डिड नॉट, अब उसे अपने हारने का विश्वास होने लगा। दिस मैन कुड इजीली वैंक्विश हिम इन ए रेसलिंग अबाउट इन द डार्क। कि अंधेरे में तो वो उस भूत ने सोचा कि ये मुझे जरूर हरा देगा। बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अनदर वे अज्यूमिंग ए सर्वाइल मैनर। अब मुझे किसी दूसरे तरीके से इसे जीतना पड़ेगा। द गोस्ट सैड, अब उस भूत ने कहा, फ्रेंड विजय सिंह, मित्र विजय सिंह, तुम मेरे मित्र हो, इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू। तुम्हारे जैसे व्यक्ति से मिलना मेरे लिए एक सम्मान की बात है। आई एडमिट टू बीइंग डिफिटेड, मैंने मान लिया कि मैं हार गया हूँ। उसने अपने आप को हारा हुआ मान लिया। बट वेयर विल यू गो टू नाइट, पर तुम अब इतनी रात को कहाँ जाओगे। रेस्ट इन माई हाउस, तुम मेरे घर पर ही आराम करो। यू कैन लिव टुमारो, और तुम कल चले जाना। नाउ थ्रू आउटली इलेक्टेड, अब गर्व से वो फूला नहीं समाया, बहुत खुश हो गया। विजय सिंह रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया, आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटैलिटी, बट टुमारो, मैं तुम्हारे आग्रह को मना तो नहीं कर सकता, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा एज माई प्रिजनर, मेरा बंदी बनकर। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, मैं वहाँ जाके अपने लोगों को अपने जीत की जो सबूत है, ट्रॉफी है, वो जरूर दिखाना चाहूँगा। द गोस्ट बोर्ड इन अग्रीमेंट बट साइलेंटली वॉक्ड टू किल विजय सिंह इन द नाइट। गोस्ट ने बोर्ड यानी कि झुककर उसकी बात को स्वीकार कर लिया, बट साइलेंटली वॉक्ड, लेकिन अपने मन ही मन में उसने ये विचार किया कि टू किल विजय सिंह इन द नाइट, कि मैं रात को विजय सिंह को मार दूंगा। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन ए केव, वो उसे अपनी एक गुफा में, जहाँ पे गुफा में उसने अपना घर बना रखा था ना, वो भूत अब उसे वहाँ ले गया। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।